रोहित पौडेल की गैर मौजूदगी में नेपाल को मिली करारी हार, चार्ल्स ने ठोका शतक, वेस्टइंडीज ने खड़ा किया रनों का पहाड़। पहले गेंदबाजों ने लुटाए रन, फिर बल्लेबाजी हो गई धड़ाम। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को खेलने में नेपाली सूरमा पूरी तरह हुए नाकाम। वेस्टइंडीज ए के खिलाफ लगातार दो मुकाबलों में नेपाल को करारी हार झेलनी पड़ी। एक बार फिर नेपाल की बल्लेबाजी पूरी तरह ध्वस्त हो गई। न कुशल माला का बल्ला चला, न दीपेंद्र सिंह ऐरी का। गुलशन झा का बल्ला भी पूरी तरह से खामोश है। अनिल शाह भी मिले हुए मौकों को पूरी तरह से भुनाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। रोहित पौडेल को आज आराम दिया गया। रोहित पौडेल की जगह कप्तानी की जिम्मेदारी दीपेंद्र सिंह ऐरी की थी, लेकिन न सिर्फ ऐरी कप्तानी में पूरी तरह फ्लॉप रहे, बल्कि बल्ले से भी लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। वेस्टइंडीज ने नेपाल के खिलाफ 227 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसमें जॉनसन चार्ल्स और एंड्रयू फ्लेचर ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। चार्ल्स ने जहां 61 गेंदों में 119 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 7 छक्के शामिल थे, तो वहीं एंड्रयू फ्लेचर ने 33 गेंदों में 53 रन, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे, बनाकर नेपाल के सामने 20 ओवर में 227 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम सिर्फ 151 रन पर ही पवेलियन वापस लौट गई। ओपनिंग बल्लेबाजी की जिम्मेदारी आज एक बार फिर लोकेश बाम को दी गई। वहीं विनोद भंडारी को आज रोहित पौडेल की जगह पर मौका दिया गया, उन्हें ओपनिंग के लिए भेजा गया। लोकेश बाम ने 29 गेंदों में 28 रन बनाए, तो विनोद भंडारी 15 गेंदों में 19 रन बनाकर चलते बने। अनिल शाह एक बार फिर नाकाम रहे। 2 छक्के मारकर उन्होंने अपनी काबिलियत का मुजाहिरा तो किया, लेकिन उसे बड़े रन स्कोर में बदलने में नाकामयाब रहे। अनिल शाह सिर्फ 10 गेंदों में 14 रन बना सके। आरिफ शेख सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मल्ला एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए। 2 चौके और 1 छक्के की मदद से कुशल मल्ला ने 11 गेंदों में 20 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वेस्टइंडीज के फिरकी गेंदबाजों ने एक एक कर बल्लेबाजों को चलता कर दिया। गुलशन झा 4 और विवेक यादव 3 रन बनाकर चलते बने। दीपेंद्र सिंह ऐरी से उम्मीद थी कि शायद टीम को आगे ले जाने की कोई कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 छक्का मारकर 7 गेंदों में 7 रन बनाकर ऐरी भी पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद करण केसी, कमल सिंह भी सस्ते में निपट गए। करण केसी ने कुछ कोशिश जरूर की, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन आखिरकार वेस्टइंडीज की फिरकी गेंदबाजों के आगे नेपाल के बल्लेबाज एक एक कर कैच देकर वापस लौटते गए। 5 मैचों की सीरीज में नेपाल 3 में से 2 मुकाबले हार चुका है। सिर्फ एक ही मैच में नेपाल को जीत हासिल हुई है। अब इस सीरीज को जीतने के लिए नेपाल को लगातार 2 मुकाबले जीतने होंगे, अन्यथा अपनी जमीन पर एक और सीरीज हारने के लिए नेपाल पूरी तैयारी कर चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल टीम अपने टीम 11 को ही अब तक तय नहीं कर पाई। कुशल भुरतेल और आसिफ शेख जैसे बल्लेबाजों को ड्रॉप करके, संदीप जोरा जैसे इनफॉर्म बल्लेबाजों को ड्रॉप करके टीम मैनेजमेंट ना जाने कौन से प्रयोग कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल अपनी जमीन पर भी ना तो बल्ले से रन बना पा रहा है, ना ही नेपाली गेंदबाज वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के विकेट ले पा रहे हैं। गेंद और बल्ले से लगातार नाकामी नेपाल की टीम को भारी पड़ रही है। अगर इसी तरह का प्रदर्शन नेपाल का जारी रहा तो T20 विश्व कप के लिए नेपाल की राह मुश्किल हो जाएगी। आस्तित न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।